तो गाइज आज कुछ अलग करने वाले। तो गाइज ये रहा मेरा आईपैड, जानता हूँ मरने की हालत में है, ये मरने ही वाला है, बट ये देख सकते हो इतना बड़ा छेद कभी देखा है, फिर भी चल रहा है बिल्कुल ही फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज मेरे पास आईपैड पड़ा था, एक अलमारी में पड़ा था, मैंने छुआ ही नहीं, बहुत दिन हो गए। फिर मैंने सोचा हाँ यार मेरे पास आईपैड है तो एक बार ट्राई करना है कि आईपैड में फ्री फायर कैसा चलता है। वैसे ये आईपैड में मैंने बहुत कुछ ले रखा है, देखो माइनक्राफ्ट भी परचेस कर रखा है, GTA 3 GTA SA और ये सब कुछ परचेस कर रखा है, और ये ऑफिशियल है, कोई हैक बैक नहीं किया है, ठीक है। और इसीलिए मुझे कमेंट में मत कहना कि यार कैसे डाउनलोड करना, तो मैंने ऑफिशियल देख सकते हो आप, ये देखो कैसा हालत हो चुका है इसका, ये देखो, ये भी देखो, ये अंदर तक दिख रहा है पूरा, यहाँ पे अंदर तक चला गया है इसका स्क्रीन। फिर भी मैं इसमें ही सभी वेब सीरीज, मेरी मूवी, सब कुछ इसमें ही देखता हूँ ऐप स्टोर में से। इस पर हम फ्री फायर इसमें देखेंगे कि कैसा चलता है। वैसे तो मैं मैंने पबजी के लिए लिया था, पर कभी गलती मत करना कि आईपैड 6 जनरेशन में आप सोचोगे कि पबजी बहुत मस्त चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और स्क्रीन पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है, देख रहे हो स्क्रीन का नशा, देख रहे हो। रुको रुको रुको, अभी मेरे को अभी ठीक है, चलो। तो स्क्रीन साफ कर ली, बट आईपैड ऐसा है कि ऐसी स्क्रीन आपको दिख रही। तो इसमें हम फ्री फायर डाउनलोड करने वाले हो, देखेंगे कि कैसा चलेगा फ्री फायर। अरे फोकस हो जा, रुको, मेरा जो हॉटस्पॉट जिसमें से मैंने ले रखा है वो बाहर पड़ा है, तो वो फोन में लेके आता हूँ जल्दी से। इसका भी हालत आप देख सकते हो, इसमें मैंने हॉटस्पॉट ले रखा है, तो अभी उसको बाजू में रखते ताकि स्पीड अच्छी आए। तो चलिए अभी इस फ्री फायर को हम इंस्टॉल करते हैं, और इसमें आपको मैं दिखा दूँ, इसमें से मेरे को पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तब तक के लिए आप मेरी ये तकिया देखिए, अब इतना भी मत देखा करो भाई। अब मैंने डाउनलोड पे डाल दिया है पासवर्ड, और जैसा भी चलेगा मैं आपको रिव्यू दूंगा। वैसे तो आईपैड में पबजी तो ऐसे ठीक ठाक चल रहा है, तो ये तो चल ही जाएगा, वो तो मेरे को लगता है। इसमें इसका जो कितना है बताओ बताओ, इसका जो MB इसका साइज़ है देख लो, 1.4 GB, इतना तो एंड्रॉयड में पबजी का है, और पबजी इसमें 3 GB का है, मतलब समझ सकते हो आईपैड और आईफोन के लिए कितना ज़्यादा मतलब स्टोरेज चाहिए होगा आपको। तब तक के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास माइनक्राफ्ट है, और इसके अंदर तो वैसे मैं माइनक्राफ्ट की जल्दी एक सीरीज लाने वाला हूँ। चलिए आ चुका है ऑप्शन टैप टू बिगिन का ऑप्शन आ चुका है, चलिए ये क्लिक कर दिया। अरे क्या हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे भी मरने की हालत में थोड़ा सा इज्जत दिखाओ आईपैड को। और ये डीजे आलोक का कपड़ा किधर गया मेरा। तो गाइस आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, और ये देखो डीजे आलोक फिर से नाच रहा है, बहुत बढ़िया है। चलो और यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्राइटनेस स्टिक कर लेते हो, चलो, और रैंक गेम सिलेक्ट कर लेते हैं और शुरू करते हैं हमारे गेम को। क्या है ये, अच्छा ये इमोट पेज में मैं दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या लिखा रहा है भाई, रैंक मैच ऑन क्यों नहीं हो रहा है, प्रोहिबिटेड CS रैंक, क्या हो रहा है भाई ये, अनेबल टू मैच, कहीं बैन तो नहीं हो गया मैं। और यार ये देखो मेरे कपड़े भी नहीं दिख रहे यार, फिर से इसमें डेटा पैक भी डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरी कोई गेम ट्राई करते हैं, तब तक के लिए एक बार ये और ट्राई कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, रैंक मैच ऑन नहीं हो रहा है, हम ट्रेनिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑन करते हैं हमारी ट्रेनिंग मोड को, और आ चुके हैं ट्रेनिंग मोड के अंदर, और थोड़ी सी सेंसिटिविटी में सेट कर लेता हूँ, रुको। ओके 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 ओके, ये थोड़ी AWM की, अच्छा 4X की, चलो अब ठीक है, क्योंकि सेंसिटिविटी मेरे को पता नहीं कि आईपैड में कैसी रहती है। चलो कोई बात नहीं, वेपन्स ले लेते तब तक के लिए, और ये मेरी टोपी है यार, मेरे को कपड़े चाहिए थे और टोपी और जूते आ गए, कोई बात नहीं। चलो गन्स ले लेते हैं हमारी, एक डेजर्ट ईगल मेरे को चलानी बिल्कुल भी नहीं आती, भले ही मेरे को पता है कि वो अच्छा डैमेज करती है, 90-90 का डैमेज करती है। और यहाँ पे एक क्या कर रही है कि Level 3 का बैग ले लेते हैं, और इन्हेलर बहुत सारे ले लेते, इन्हेलर ले लेते, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही है भाई। ओके तो यहाँ पे क्या है, ओके तो यहाँ पे भी चीज़ें हैं कुछ, चलिए सीधे चलते हैं अब कॉम्बैट जोन के अंदर। अरे आजा, ठीक है चलो। तो एंटर हो चुके हैं कॉम्बैट जोन के अंदर, और ग्राफिक्स काफ़ी ज़रा बढ़िया लग रहे हैं इसके आईपैड के अंदर, और आप देख रहे हो आईपैड में
रेक्टेंगुलर व्यू, मतलब वर्टिकल व्यू ज़्यादा रहता है, तो मज़ा आता है खेलने का। और थोड़ा सा भी मैं ट्राई कर रहा हूँ मारने का, और वो भाई पंच से मार गया। इसमें अभी भी मेरे को यार कंट्रोल इतने जम नहीं रहे, क्योंकि मोबाइल के बाद जैसे आप आईपैड पे खेलोगे इतना ज़्यादा प्रो लिए आप नहीं खेल पाओगे। अगर आपको आईपैड की आदत है तो आप आसानी से खेल सकते हो, पर मैंने यार लिटरली बहुत दिनों बाद आईपैड निकाला है, और मेरे पास पड़ा था और टूट गया था, तब मैंने रख दिया था अलमारी के अंदर, फिर मैंने निकाला ही नहीं, और फिर मेरे को आज याद आया चलो आईपैड के अंदर एक बार ट्राई करते हैं। चल तो रहा है वैसे, लेकिन इसका जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, पर आप खेलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इतना, पर इसका जो आप स्क्रीन है ना वो टूटा हुआ थोड़ा सा, वो मतलब ऐसा आपको उंगलियों पे थोड़ा सा अटकेगी आपकी उंगलियाँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं सिलेक्ट कर ले, तो ओके, तो कंट्रोल भी सिलेक्ट नहीं करने देते यार। रुको गाइस थोड़ा सा एक बार कंट्रोल थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये जो हमारा यूआई है मतलब कि अपना कंट्रोल सब, और ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि भागने का बहुत मेरे को लंबा उंगली करना पड़ता है, और ये बटन तो चलो अब चढ़िए ठीक है। और चलिए किसी को मारते यार। ओ भाई क्या इसमें एम बहुत ही गंदा लग रहा है मेरा, जरा भी मेरे को नहीं आ रहा, और डैमेज तो देखो कितना कम आ रहा है, और बहुत ही गंदा है, एकदम रिकॉइल आ रहा है, ये देख रहे हो एक गोली भी नहीं लग पा रही है। अबे यार अब तो लग जा, अब तो लग जा, ये लगता है ये मेरे को मार जाएगा। अरे ओह भाई बाल बाल, हेड तो वैसे पड़ा था उसको, बट काफ़ी देर टाइम लगा। और ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जंप क्यों कर रहा हूँ? अरे भाग, अरे हाँ भाई भागने का बटन में एक अभी अभी एक तो मैं फ्री फायर मोबाइल पे भी अभी मैंने कुछ ही दिन हुए खेलना शुरू किया, और सीधा आईपैड पे ट्राई कर रहा हूँ, तो इसी वजह से ऐसा है। और वैसे भी मैं नूब ही हूँ, इतना प्रो नहीं हूँ, वो थोड़े से हेड मार दिए और भाई एक साथ दो निपटा दिए। इसे कहते हैं प्रो वाली फीलिंग, जब आप एक साथ दो मारते हो ना। वैसे भी वो डैमेज थे शायद, और इसको देख रहे हो कितना कम डैमेज आ रहा है। ओ भाई मर जा, अरे एक शॉट गन का भी मार दिया अब तो। अरे भाई ये तो वैसे भी बॉट लग रहा था शायद। और गाइस मैं भूल जाता हूँ कि मेरे पास डीजे एलो की एबिलिटी है, चलो इसको यूज़ तो करते हैं अब, और मेरी लाइफ अभी वैसे भी कम है तो यूज़ करना ही पड़ेगा डीजे एलो की एबिलिटी। थोड़ा सा अभी मेरे को लगता है सेंसिटिविटी चेंज करना पड़ेगा। ओ भाई मार गया, देख रहे हो सेंसिटिविटी चेंज जैसे ही करता हूँ ना कोई एजेट ठोक जाता है। कोई बात नहीं, हम बदला लेने का ट्राई करेंगे पूरा, आप देखो इसको पेलता हूँ मैं। रुको रुको साले मेरे को मार रहा था। अरे भाई कैसे, ये क्या है भाई, हैकर भाई, गजब का वन टैप हेडशॉट मार गया। चलो फिर से हम पुनर्जन्म ले चुके हैं, और इनहेलर ले लेते क्योंकि सांस वैसे भी फूल चुकी है हमारी। और भाई सांस तो लेने दो, अभी से मार रहे भाई कहाँ से कहाँ से। अरे भाई, अरे भाई एम देख रहे हो मेरा पूरा एकदम लग ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है भाई आईपैड के अंदर? लगता है मेरे को आईपैड नहीं जम रहा है, पूरा एकदम बकवास एम आ रहा है इसके अंदर। वैसे इसका व्यू और ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा मस्त है, बस थोड़ी सी मेरे को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देख रहे हो ये क्या कर रहा था, इसको लगा मेरे को पंच से मार देगा, इतना भी नूब नहीं हुई यार मैं। ओ गाइस अंदर दो बंदे लड़ रहे हैं, चलो एक को ठोक दिया मैंने, और अभी दूसरे को चलो ट्राई करता हूँ। अरे भाई एम क्यों नहीं लग रहा मेरा, अभी ये मेरे को ठोक जाएगा 100%। अरे भाई मेरे को पता था, कहा ना मैंने भाई, अभी तो मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को मोबाइल पे ही खेलना चाहिए, आईपैड पे नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि यार मेरे को इतना भी जम नहीं रहा। वैसे हेड तो पड़ रहे पर इतना डैमेज नहीं दे रहा हूँ, हेड भी वो कम कम डैमेज वाले हेड पड़ रहे, बट कोई बात नहीं हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये देखो यहाँ पे ही जम गया, इसको तो मैं मारूंगा, रुको रुको रुको। अरे भाई लग जा, अरे भाई इतना गंदा एम कैसे हो सकता है भाई साहब, कौन कैसे ऐसा मार सकता है कोई, पता नहीं कैसे। ऐसा लग रहा है कि यार आईपैड पे मेरा एम है ना, मतलब आईपैड में एम इतना अच्छा नहीं है, देख रहे हो। अरे इतने तो अच्छा लग गया, चलो ये वाला शॉट अच्छा था, और इसको मारने की ट्राई करता हूँ भाई। ये शॉट गन क्या मैं चला रहा हूँ, अरे मर जा, ये वाला पक्का इसको नहीं आता था खेलना, इतना मेरे से भी नूब लग रहा था ये तो। और गाइस आप लोग मुझे है ना थोड़ा थोड़ा टिप्स दिया करो कमेंट सेक्शन में कि कैसे मारना है, मतलब ये देख रहे हो मेरा हेड शॉट ही नहीं लग रहा, देखो ट्राई करता हूँ भाई। ये लग गया, ये अच्छा शॉट था बट इतना भी अच्छा नहीं था। चलो और यहाँ पे किसने इतने सारे ग्लू वॉल बना के रखे भाई। ओ भाई ये क्या कर रहा है, रुको 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 इसको ठोकते, रुको भाई शॉट गन खा तू। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे उसको मारते, चलो उसने मेरा टारगेट मारा, अब मैं उसको मारूंगा भाई। इतना डैमेज क्यों खा रहा है, अरे भाई दूसरा यार मैं तीसरा पीछे से आके मार गया, ये नहीं चलता भाई। भाई यार ये ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर है, ये बहुत होता है यार, पीछे से आके मार जाते हमारे टारगेट को भी मार जाते और हमको भी मार जाते। ये देखो इसको शॉट पड़ा अभी, ये याद रखेगा मेरे को, और अभी इसको भी देते चलो। अरे भाई इतने हेड पड़े, अरे भाई मर जा, इतने हेड पड़ा इसको। अरे भाग गई यार, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा। रुको भाई पकड़ते पकड़ते एम पी फाई का शॉट देते। अरे भाई, अरे इतना डैमेज, इतना डैमेज कौन खाता है भाई। अभी देखो शॉट गन इसको देता हूँ एक बड़ा वाला। अरे वो इतनी देर में कहाँ भाग गई, वो कैसे या फिर मर गई अभी यार। ऐसे कोई बीच में अगर जो स्पॉन हो जाते हैं ना तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। और आईपैड के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही नूबपंती हो रही है मेरे से,
और ये देखो हेडशॉट, अभी लग जा। हाँ अभी नहीं लगा होता ना तो मैं पक्का एग्जिट मार देता यार ट्रेनिंग ग्राउंड को, और तू भी मर जा। ये देखो इसे कहते हैं प्रो पंती, थोड़ा सा नूब भी है, थोड़ा सा हम प्रो भी बन रहे, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। थोड़े थोड़े हेड तो हमारे भी अभी लगने शुरू हो चुके हैं। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मतलब मेरा तो डैमेज ही नहीं आता, पूरा येलो येलो डैमेज ही दिखा था, मतलब 10-15 ऐसा ही डैमेज। अभी देख रहो, ये देख रहो पीला पीला डैमेज, और ये रेड तो कभी भी नहीं लगता था, मतलब कभी कभार एक से दो शॉट हेड लग जाते थे, और इतनी दूर तो कभी नहीं लगते। देखो अभी एक हेड लगा 36 का। ओ भाई ये शॉट तो गजब था, है ना, मेरे को नहीं पता यार, मेरे को अच्छा लगा शॉट। और इसको तो, इसको भी मार देंगे भाई, अभी तो मार ही देंगे सबको हम, पर हम भी मरेंगे थोड़ा, ऐसा नहीं है कि सबको मारते ही रहेंगे, हमको भी मरना बनता है ना। और ये रहा, मेरे को मारा था ना तो इसने, अभी इसको तू बीच में क्यों मार रहा है भाई, रुक तेरे को। अरे भाई यार सब, यार मेरे को ही मारो यार, तुम लोग शॉटगन से वैसे भी मार रहे भाई, रुक जा, थोड़ा सा डैमेज खा के क्यों भाग रहा है। इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको देखो हेड देते, हेडशॉट तो नहीं था शायद, पर अच्छा शॉट था। चलो ये क्या कर रहा है भाई, ये सब ऐसे ये धूल क्यों बन गए भाई, ये क्या था, कोई नया ट्रिक भी आया है क्या, या फिर हैकर में कर रहा है कोई। ओ इसको भी शॉट दिया मैंने, पर डैमेज तो काफ़ी अच्छा लिया उसने, पर कोई बात नहीं। अभी ये देखो इसको देता हूँ, इसको देखो भाई, दिया ना भाई, दिया ना, मैं जो मैं बोलता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ गाइस। और ये बीच में स्पॉन हो गया, इसके भी लेते चलो भाई। भाई लग जाए, एक गोली तो लग जा, 69 का हेड। अरे भाई एक और, अरे भाई साहब यार मार ही दो मेरे को, तुम मेरे किल तुम क्या कर रही है भाई। ये ले दो शॉट में ख़त्म। इसमें शॉट गन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलती है शॉर्ट रेंज के अंदर, और वैसे भी शॉर्ट गन मतलब शॉर्ट रेंज में ज़्यादा ही चलती है। और डैमेज अभी काफ़ी अच्छा दिया पर कुछ हुआ नहीं, और इसको भी हेड दिया एक। वो देखो इसको पकड़ते, इसको पकड़ते, कहाँ गई, अरे मिल जा, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, देखो देखो, अरे दिया भाई अभी, अरे 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 ऐसे तो नहीं होता। वो सदमे में आ गया था कि यार क्या हो रहा है ये सब। थोड़ा सा एबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा यार, अबिलिटी यूज़ करना में तो बार बार भूल जाए, तो अभी मर जा। अरे भाई शॉट दिया मैंने, क्यों नहीं मरा ये, और मैं इसके पीछे चला गया था फिर भी इसका शॉट मेरे को कैसे लगा भाई। फ्री फायर का मैकेनिज्म अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ और अभी भी देख रहे हो नूबी हूँ मैं, 25 किल और 10% बैटरी का भी मैसेज आ चुका है, और मेरे को लगता है कि आईपैड अपनी आखिरी सांस से गिनने लगा ही होगा, क्योंकि यार इतना लोड वो अभी नहीं झेल पाएगा। और देखो शॉट्स तो अपने वैसे अच्छा ही है मेरे को लग रहा है, या फिर बंदे नूब आया है सामने, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि इतने अच्छे मतलब 26 किल तो मेरे कभी हुई नहीं कभी भी। और ऊपर से यार मेरे को आज क्लैश स्क्वाड रैंक खेलना था, पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस मेरे को नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। कल से ऐसा हो रहा है कि मतलब उसमें कुछ ऐसा लिखा रहा है प्रोहिबिटेड फ्रॉम सीएस रैंक गेम, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है और ऑन ही नहीं हो रहा है मेरा रैंक गेम, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, उसका मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अगर आपको पता है कि कैसे उसको फिक्स करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो क्या सब, मैंने बहुत खेल लिया और काफ़ी ज़्यादा मर भी रहा हूँ मैं नूबपंती करके, और मेरे को लगता है अभी मेरा एग्जिट देने का टाइम आ चुका है। और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ गाइस मैंने देखा कि यार आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो गाइस फटाफट नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी कभी, ताकि आगे भी आपको जो मैं नए वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय। देखा मैं बस एक आम